नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखा रहा है कि लखनऊ में किस तरह से गणपति बप्पा की धूम मची हुई है, वहीं पे आपका जो है पारा के गोविंद नगर में अनीता तिवारी जी के घर पे 5 दिवसीय गणपति बप्पा जी को लेकर के आया गया। यहाँ पे महिला मंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पे 5 दिवसीय जो आयोजन हो रहा है, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे और किस तरह से पूरे पारा गोविंद नगर में गणपति जी की किस तरह धूम है, तो क्या कहना चाहेंगे? गणपति जी का आयोजन हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है, सभी औरतें बहुत प्रेम पूर्वक मनाती हैं, सारे भक्तों का सहयोग रहता है, इसलिए धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, गणेश जी हमारे यहाँ आए। अनीता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे अनीता जी तुम्हारा अच्छे आदमी है, सबसे सबसे अलग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हमारी बहन है, हर जगह अपनी जितना शारीरिक आर्थिक जैसी भी मदद रहती है करती है, हर चीज में अकेले होते हुए भी हर जगह पहुंचने का प्रयास करती है, बहुत अच्छी है भाई। अनीता जी हर साल ये आयोजन करती हैं और वह धूमधाम से करती हैं, हम सबको यहाँ बुलाती हैं और वो हर तरह से हम लोगों के लिए मतलब मौजूद भी रहती हैं और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, इसीलिए थैंक यू सो मच अनीता जी, जो आप हम लोगों को मतलब करती भी हैं और हम सबको इस चीज़ में याद भी रखती हैं, थैंक यू सो मच। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए भी, उनसे बात करेंगे, आयोजन कैसा लगा? तो आयोजन कैसा लगा? आयोजन गणपति बप्पा जी का बहुत अच्छा लगा और अनीता बहन हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उनका स्वभाव और व्यवहार है और बहुत अच्छा आयोजन, हर आयोजन बहुत अच्छा कर दी है। तो कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे, बच्चों से बात करेंगे। बेटा बताओ कैसा लग रहा है तुमको आयोजन? अच्छा। अच्छा लगा गणपति बप्पा? आपको माता जी कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा। पांच दिवसीय जो आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये कहेंगे बहुत कुछ, बहुत बहुत अच्छा लगता है हमको। और ये बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। परिवारों में लोग अभी आ नहीं पाए हैं, वो अपने घर में फोन करके अच्छा बहुत आने का निमंत्रण, पहली बार खाया है, जो नहीं आ पाए वो अपने अपने पोशाक स्टार्ट हो, बढ़िया लग रहा है, दरबार में आए सब अच्छा ही अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है, जहाँ पे हमने आपको कल भी दिखाया कि वरिष्ठ समाज सेविका अनिता तिवारी के निवास स्थान पर 5 दिवसीय गणेश उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, वहीं पे बीजेपी के दिग्गज नेता हमारे साथ में मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के आयोजन के बारे में क्या कहेंगे और सभी देशवासियों को गणपति बप्पा मौर्य की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर अनिता तिवारी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, उनके निवास पे ये कार्यक्रम हुआ, मैं उपस्थित होकर के सभी को भगवान श्री गणेश की शुभकामनाएं दी और भगवान सभी का कल्याण करे, सभी विश्व प्रगत पर रहे, सभी का विकास हो, यही आज भगवान से शुभकामनाएं की है। यहाँ पे सदस्यता अभियान भी शुरू हो रहा है, तो आपके क्षेत्र में किस तरह से बीजेपी सदस्यता ग्रहण के लिए आपको जानकारी में होनी चाहिए, 2 वर्षों के अंदर केवल हैदरगंज तृतीय वार्ड में 117 सड़कें हमने बनवाई, जो वर्तमान विधायक भी नहीं, जो की जो वर्तमान विधायक है अगर उनसे आप पूछ रहे हैं तो आपको जानकारी हो जाएगी, जो भी विकास क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ, मैं वादा करता हूं जो भी काम बचा है वो मैं शेष कराऊंगा। बेटा कैसा लगा आपको आयोजन? बढ़िया। बढ़िया लगा, तो गणपति बप्पा मौर्या। गणपति बप्पा मौर्या के बोलो अगले बरस मौर्या। मौर्या तुमको कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी आप बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और अरेंजमेंट भी अच्छा ही रहा, थैंक यू। मुझे तो शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ कि मतलब यहाँ पर आकर के इस आयोजन में सम्मिलित होकर बहुत अच्छा लगा, हर्षोल्लास के साथ प्रोग्राम को हम लोगों ने मतलब बहुत आनंद लिया और बस यही चाहूँगी हर वर्ष इनके बप्पा के स्वागत में हम लोग यहाँ पर आते रहें इस पारा को और हर्षोल्लास के साथ। जो कार्यक्रम था उसमें क्या मुख्य था? मुख्य देखिए इसमें सबसे मुख्य तो इनका तो डांडिया का जो प्रोग्राम आयोजन किया गया था वो सबसे प्रमुख था, इसमें भारी से भारी संख्या में बहुत लेडीज आई हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से डांडिया किया भी और सबको इतना आनंद आया कि वो अगली बार अगले जब बप्पा आएंगे तो फिर से सोचेंगे इससे ज़्यादा अच्छे से हम लोग कर, आपकी सीख कर ही आएंगी। और दूसरा जो आज हमारा भजन संध्या कार्यक्रम था वो बहुत अच्छे से हुआ, हमारी जो गायिका थी और जो हमें यहाँ की मंदिर की थी महिलाएँ, उन लोगों ने बहुत अच्छे से भजन संध्या का आनंद लिया और बहुत अच्छे से गीत हुए हमारे। कल विसर्जन की क्या तैयारी रहेगी? विसर्जन देखिए कल अभी वो तो बप्पा की मर्जी पे डिपेंड करता है कि अभी कल हवन होना है, उसके बाद प्रसाद वितरण, अभी सारे लोगों को हम अभी मतलब घोषणा नहीं कर पाए हैं, जैसा उनका समय होगा वो हम बोल देंगे कि वो कब हमारे यहाँ से जाएंगे विदाई लेकर के। तो अनीता तिवारी जी हैं जो कि वरिष्ठ समाज सेविका और यहाँ पे जो महिला मंडल के द्वारा वो हमेशा 24 घंटे महिलाओं के लिए खड़ी रहती हैं, चाहे जैसी भी जो है उसको परेशानी हो महिलाओं को, वो हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती हैं। तो 5 दिवस
दिवसीय कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे? तो मैम आपको बहुत बहुत स्वागत हो, पहले तो बहुत बधाई हो कि आपके घर पे गणपति बप्पा 5 दिन के लिए आए। पहले तो मैं फिर उसके अर्चना जी को बधाई देती हूँ कि आज इतनी दूर से आ करके हमारे लिए समय निकाला और हमारे गणेश जी का पूरा होगा, जहाँ चाहे वहाँ राह भगवान रास्ता बनाए। वो राह ना इतना खराब होने के बावजूद और हमारे हमारे यहाँ पे हमारी रोड इतनी खराब है, फिर भी हमारे सभी लोग, सभी हमारे जितने मित्र हैं, सभी आकर यहाँ पे बराबर आए हैं, सब लोग आए हैं और उन सभी अपने मित्रों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आए हैं। और कल हमारे यहाँ सुबह हवन होगा और प्रसाद वितरण होगा, फिर विसर्जन भी हमारे यहाँ होगा। विसर्जन करीब हम 3 बजे पापा जी का निकालेंगे। तो सभी लोगों से बस यही निवेदन है कि सभी हमारे मित्र घर जाएंगे और वहाँ विसर्जन करेंगे, ढोल नगाड़े बजाए। कल ढोल नगाड़ों के साथ में जय जय जयकारे होंगे और गणपति बप्पा के गुंजारे होंगे, क्योंकि सबको लेकर के यहाँ पे 5 दिन से गणपति बप्पा विराजमान है। कल उनके जो है विसर्जन भी होगा, तो कैसा आयोजन लगा? बहुत ही अच्छा लगा, 5 दिनों में बहुत ही अच्छा लगा। गणपति बप्पा आए यहाँ पे, अब हम सब ने बहुत ही एंजॉय किया यहाँ पर। कल उनकी विदाई जी, थोड़ा दुख तो हो रहा है पर अब अगले बरस वो फिर से जल्दी ही आएंगे। बहुत अच्छा लगा, हम तो हर साल इंतजार करते हैं कि पप्पा जी कब आएंगे हमारे घर। मैं भी यही कहना चाहूंगी, सब की बातों से सहमत हूँ कि जल्दी आएंगे पप्पा जी। बहुत अच्छा लगा। कल विदाई के लिए क्या तैयारी रहेगी? भारी से भारी संख्या आएंगे ढोल नगाड़े के साथ। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है। अनीता जी बहुत अच्छी है। तो आज हम आपको ले गए थे पारा, पारा में जहाँ पे गोविंद नगर में 5 दिवसीय कार्यक्रम था गणपति बप्पा मोरिया को लेकर के। अनीता तिवारी जी के निवास स्थान पे 5 दिवसीय कार्यक्रम रहा गणपति जी को लेकर के। जिस तरह से पूरे लखनऊ में गणपति की धूम है तो हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं पे कल हम आपको विसर्जन की भी धूम दिखाएंगे। तो साथ में अर्चना आपसे जानना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।